नमस्कार, खबर दिनभर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले दुर्ग से बड़ी जानकारी, बेकाबू ट्रक ने तीन कारों को टक्कर मारी, एक साथ दो बाइक सवारों को रौंदा है। हादसे में एक युवती की मौत हो चुकी है जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। पोटिया चौक के पास की दुर्घटना, ट्रक का ब्रेक फेल हुआ और उसी के चलते ये पूरा हादसा पेश आया। घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलगांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, ट्रक का ब्रेक फेल हुआ और उसके बाद ये ट्रक आगे बढ़ता गया, तीन कारों को टक्कर मारी, उसके बाद दो बाइक सवारों को रौंदता हुआ ट्रक आगे बढ़ता गया। तस्वीरें आप देखिए घटनास्थल की, यही वो गाड़ियां हैं जिन पर टक्कर मारी है ट्रक ने। बताया जा रहा है कि एक युवक गंभीर रूप से घायल है जबकि एक युवती की इस पूरी दुर्घटना में मौत हो चुकी है। दो बाइक भी ट्रक की चपेट में आई, जैसे तैसे ट्रक यहां पर थमा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ट्रक का ब्रेक फेल हो जाने की वजह से पूरा हादसा पेश आया है। सहयोगी मिथिलेश ज्यादा जानकारी देंगे। मिथिलेश, क्या वजह और अभी तक क्या स्थिति इस पूरे हादसे को लेकर? देखिए, अभी तक जो जानकारी सामने आई है वो यही है कि ये ट्रक का ब्रेक फेल हो गया था और यही वजह है कि ट्रक ने पहले जो समीप खड़ी हुई थी कार उनको ठोकरें मारी और इसी दौरान वो दो बाइकों को भी ठोकर मारते हुए आगे बढ़ता चला गया। इस दुर्घटना में एक युवती की मौत हो गई है, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है जिसको जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है और वहीं ट्रक आगे जाने के बाद में खंभे से टकरा कर रुका है। इस घटना के बाद लोग काफी आक्रोशित हो उठे, उन्होंने उसको घेर लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस के बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। अभी वर्तमान स्थिति में यही सामने नजर आ रहा है कि ट्रक का ब्रेक फेल हो गया था, संभवतः यही वजह है कि वो दूसरी दिशा में वो चला गया और वहां पर कुछ गाड़ियां जो है रोड के किनारे में खड़ी हुई थी उसको ठोकर मारी और उसके बाद में उसने मोटरसाइकिल को भी ठोकर मारते हुए खंभे से टकराया है। पूरे मामले में जांच की जा रही है और जांच के बाद में कुछ स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन अभी जो युवती की जो मौत हुई वो बताया जा रहा है कि वो बालोद निवासी थी जिसकी मृत्यु हुई है। अभी जांच के बाद में और भी बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी, पुलिस की जांच जारी है। अवंतिका, ठीक है, मिथिलेश आप बने रहेगा, आगे भी आप चर्चा करेंगे। तो एक तरफ दुर्ग की दुर्घटना में आपको बता रहे थे और उस तरफ भिलाई में भी एक हादसा हुआ है। चलती कार में अचानक से भीषण आग लग गई और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। राहत भरी जानकारी आई है, भिलाई के जयंती स्टेडियम के पास की पूरी घटना, आग लगने का कारण अभी तक नहीं पता चल पाया है। भिलाई नगर थाना क्षेत्र की पूरी घटना है, तस्वीरें आप देखिए। अचानक से साथ में इस कार को पूरी तरह से जलते हुए देखा जा सकता है। उसको बुझाने के अभी प्रयास हालांकि हुआ लेकिन तब तक पूरी कार जलकर नष्ट हो चुकी थी। आसपास जितने भी लोग थे फौरन दमकल की टीम को भी सूचना दी गई लेकिन राहत भरी बात यही किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, तस्वीरें हम देख रहे हैं, भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। निश्चित रूप से आमंत्रित है, ये भिलाई के जयंती स्टेडियम के समीप की घटना है। कुछ देर पूर्व ही घटना हुई है, बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया लेकिन जो सूचना मिली है वो ये है कि चलती हुई कार में आग लगी और कार देखते ही देखते धू धू कर जलने लगी। कार में जो मौजूद लोग थे वो उतर के किसी तरह से अपने आप को बचाए हैं। पूरे मामले में की सूचना जो है वो भिलाई नगर थाना पुलिस को दे दी गई है। पूरी पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और साथ ही अग्निशमन विभाग को भी सूचना दी गई है। वे मौके पर पहुंचकर अग्नि जो लगी है उसको बुझाने का प्रयास कर रही है। पूरे मामले में पुलिस की जांच होगी और जांच के बाद में आखिरकार ये वजह सामने आ पाएगी कि आखिरकार ये आग कैसे लगी थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं कवर्धा से अगली बड़ी खबर है जहां ट्रक और कंटेनर के बीच भीषण टक्कर हुई है। ट्रक और कंटेनर के बीच आमने सामने की टक्कर हुई, केबिन के पर खच्चे उड़ गए, इतना भीषण हादसा था। एक ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में भर्ती करवाया गया इसे। रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर बोरदा के पास ये पूरी घटना घटी है। तस्वीरें घटना स्थल की आपको हम दिखा रहे हैं। अचानक से ट्रक और कंटेनर के बीच ये भीषण टक्कर हुई, एक ड्राइवर की घटनास्थल पर ही जान चली गई। पन्ना से अगली बड़ी खबर मिल रही है जहां बीजेपी के मंडल अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है, शराब तस्करी करते गिरफ्तार किया गया है। कार से 7 पेटी शराब पाई गई, देसी शराब, देसी कट्टा भी पाया गया है। आपको ये भी बताएं कि छतरपुर से शराब लाई जा रही थी, इस बारे में भी कहीं ना कहीं सुराग पुलिस को मिले हैं। तो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष अब पुलिस गिरफ्त में। सहयोगी संजय से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। संजय, विस्तार से जानकारी इस कार्रवाई पर। अवंतिका, मैं आपको बता दूं, ये मोहंद्रा के युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष है महेंद्र प्रताप सिंह परिहार। यह कल रात अपनी गाड़ी से अपने क्षेत्र मोहंद्रा में जा रहे थे तभी मुखबिर ने सूचना दी कि इनकी गाड़ी में
शराब है और ये काफी दिनों से शराब की तस्करी कर रहे हैं, छतरपुर जिले से ला रहे हैं। तभी पुलिस ने इनकी गाड़ी को रोका और दबिश दी। संदिग्ध परिस्थितियों में देखा कि ये पहले तो मना करने लगे गाड़ी में कार्रवाई करने से, पुलिस से आनाकानी की, लेकिन पुलिस ने सख्ती दिखाई और पुलिस ने सख्ती दिखाने के बाद इनकी जब गाड़ी सर्च की गई तो उसमें 7 पेटी शराब और 1 देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ बरामद किया। तभी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद में कार्रवाई की गई। हालांकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो कहीं ना कहीं रसूख दिखा रहे थे, कहीं ना कहीं सरकार का रौब दिखा रहे थे, लेकिन जो पन्ना SP हैं उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उन्होंने स्पष्ट कहा है, चाहे हमारा कार्यकर्ता हो और चाहे कोई भी हो, अगर कोई गलत काम में लिप्त पाया जाएगा तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका संजय जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सतना की, जहां महिला से मारपीट का मामला सामने आया। जमीन विवाद में महिला से मारपीट आई हुई है, पड़ोसी ने लाठियों से पीटकर इस महिला को घायल कर दिया। घायल महिला जिला अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाई गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। नादान थाने के तिलौरा गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। ये बड़ी जानकारी, महिला के साथ जमीनी विवाद के चलते सतना में मारपीट की गई। तस्वीरें आप देखिए, विचलित कर देने वाली तस्वीरें। सहयोगी शिवेंद्र ज्यादा जानकारी देंगे। शिवेंद्र, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक? देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस ने मारपीट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जो आरोपी हैं वो फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। और ये जो मामला सामने आया है, ये जमीन विवाद का मामला है और दोनों पक्षों में पहले जमकर गाली गलौज हुआ और फिर एक महिला को पिता और पुत्र दोनों ने मिलकर, विनायक और उसके पुत्र ने मिलकर जमकर मारपीट की है, कुल्हाड़ी से भी मारपीट की है और महिला को गंभीर हालत में सतना के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है और पुलिस इस पूरे मामले में प्रकरण दर्ज करके गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शिवेंद्र जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां नियमितीकरण की मांग को लेकर अनियमित कर्मचारी लामबंद हो चुके हैं। प्रदेश भर के अनियमित कर्मचारी कल शुक्रवार को रायपुर में आक्रोश रैली निकालने वाले हैं। पिछले 40 दिनों में आंदोलन कर रहे हैं अनियमित कर्मचारी और नियमितीकरण रथ यात्रा भी निकाली जा रही है। कल रायपुर के तूतानवा रायपुर स्थल पर धरना स्थल पर जुटेंगे और आंदोलन कर रहे इन कर्मचारियों का यही कहना है कि शुक्रवार को इन्हें अगर नियमितीकरण का आश्वासन नहीं मिला तो प्रदेश भर के सभी विभागों के 45,000 अनियमित कर्मचारी एक साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकारी समुदाय कर्मचारी महासंघ के द्वारा 16 मई 2023 से जांजगीर चांपा जिले से संविधान नियमितीकरण रथ यात्रा निकाला गया था। 33 दिनों से भ्रमण करते हुए कल रायपुर पहुंच रही है। 40 दिनों तक चली है, 3,000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए कल रथ यात्रा का समापन है। पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को छत्तीसगढ़ में 45,000 करते ज्ञापन सौंपेंगे। उसके पश्चात भी अगर शासन हमारी मांगों को अनदेखा करती है तो कल ही अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए तिथि का ऐलान किया जाएगा और सरकार को अल्टीमेटम देते हुए छत्तीसगढ़ के 45,000 कर्मचारी, सभी विभागों के समुदाय कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने के लिए बाध्य होंगे। और कल से रायपुर में विश्व हिंदू परिषद का 5 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन भी होने जा रहा है। देश भर से PHP के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहां पर पहुंचेंगे। सम्मेलन में धर्मांतरण को लेकर परिचर्चा और साथ ही साथ धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की मांग को लेकर भी चर्चा होनी है। विहिप की सालाना 2 राष्ट्रीय बैठकों में से एक बैठक ये है। छत्तीसगढ़ में 2003 के बाद अब यहां पर राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। पांच दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पदाधिकारी एक साथ जुटेंगे। राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन साल 2003 के बाद अब छत्तीसगढ़ में। बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां युवक की हत्या मामले को लेकर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 8 लोगों ने मिलकर युवक की हत्या की थी और 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 आरोपी अभी भी फरार है जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। गोवर्धन पाली नामक युवक की हत्या की गई है। कोनी थाना क्षेत्र के कछार की पूरी घटना, अवैध संबंधों के शक में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। गांव में बीती रात एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। मृतक का नाम गोवर्धन पाली है, जो जरा गांव जिला मुंगेली का रहने वाला था। वो रात में यहाँ कछार गांव कोनी थाना क्षेत्र में आया था और वहां पर 8 लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी मामले में अपराध।
इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुर्ग से चुनावी शंखनाद किया है। यहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे। गृहमंत्री बोले कि छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अमित शाह ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी के भी आरोप लगाए। शराबबंदी, नौकरी, बेरोजगारी भत्ते के नाम पर वादा खिलाफी की गई। इस दौरान गृहमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की भी तारीफ की। तेंदुपत्ता का रेट और पैसा मिल जाता था उस सरकार के समय, ये बात उनकी तरफ से कही गई। लेकिन अब आदिवासियों का 500 करोड़ रुपए बकाया है। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रदेश सरकार पर घोटालों के भी आरोप लगाए। जनसागर उमड़ा है। मैं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को कहना चाहता हूं कि आपके शासन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये सरकार वादा खिलाफी करने वाली सरकार। उन्होंने शराबबंदी की घोषणा की थी, शराब की होम डिलीवरी चालू कर दी, युवाओं आपको 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, मिला है भैया किसी को? अरे मिला है क्या? बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपया दिया देना था, मिला है? जोर से बोलो मिला है? स्व सहायता जूथों का कर्ज माफ करना था, नहीं किया। रेडी टू ईट बनाने वाली 22,000 बहनों की नौकरी चली गई, बुजुर्ग माताओं को वृद्धा पेंशन अब नहीं पहुंच रहा है समय पर। हमारे चावल वाले बाबा रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, तेंदू पत्ता का रेट और पैसा दोनों मिल जाता था, आज लगभग तेंदू पत्ता का 500 करोड़ रुपया गरीब आदिवासियों का। सरकार ने ढेर सारे घोटाले किए, शराब घोटाला 2000 करोड़, कोयला घोटाला परिवहन का 500 करोड़, गरीब आदमी योजना में 5000 करोड़ के घोटाले का आरोप, घोटाला 1300 करोड़ का आरोप, पब्लिक सर्विस कमीशन का घोटाला, लाखों लोगों से नौकरी के सामने पैसे मांगे गए, कोरोना सेल लगाया मगर खर्च नहीं किया, और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में से भी लगभग 700 करोड़ रुपया के घोटाले के आरोप प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस स्वयं कर रहे। इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने बीजेपी के कांग्रेस प्रभारी के बदलाव के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कुछ भी कहने से क्या होता है, उनके पास करने को कुछ नहीं है। हमारी सरकार बढ़िया काम कर रही है, प्रदेश की जनता का बीजेपी पर विश्वास नहीं रहा है। मोहन मरकाम ने भी अमित शाह पर निशाना साधा। बीजेपी के कहने से क्या है, बीजेपी तो उनके पास कुछ है नहीं कहने को। हमारा काम चल रहा है, हमारा बढ़िया काम चल रहा है, सरकार का भी पार्टी का भी। हमारा कार्यकर्ता उत्साहित है, हमारी सरकार कार्य कर रही है, फैसले हुए हैं, तो जनता के और हमारे बीच की बात है। बीजेपी की जहां तक बात है, 15 साल का इनको मौका मिला और यहां की जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने देखिए, अभी जो मोदी जी के सरकार में आप देखिए 155 लाख करोड़ रुपया 181% कर्ज में पूरे देश को डुबो दिया है। जो 70 सालों में इतना कर्ज नहीं लिया गया, 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने कर्ज लिया है। ये कर्ज कहाँ पे खर्च किया है, माननीय अमित शाह जी इसका जवाब दें। और केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 9 साल तक एक घोटाले का ना होने वाले बयान पर पीसीसी चीफ ने पलटवार किया। मोहन मरकाम ने कहा कि मोदी सरकार ने 9 सालों में 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, कर्ज में पूरे देश को डुबो दिया, 70 सालों में इतना कर्ज नहीं लिया गया। और अमित शाह के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी निशाना साधा, इसका भी ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सबको ये खेद रहेगा कि केंद्रीय गृह मंत्री प्रभु श्री राम के ननिहाल आए और आदि पुरुष पर बैन की घोषणा किए बिना चले गए। कुछ चीजें राजनीति से ऊपर होती है और हम सब छत्तीसगढ़ वासियों की ये मांग राजनीतिक नहीं है, ये हमारे आराध्य की छवि पर हुए प्रहार का सवाल है जिससे हम सभी राम गए।
इधर भिलाई में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्मश्री से सम्मानित ऊषा बारले से मुलाकात की। भिलाई एक स्थित उनके निवास पर पहुंचे गृहमंत्री और अमित शाह ने ऊषा बारले द्वारा बनाए गए छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का भी स्वाद चखा। अमित शाह के घर पहुंचने पर ऊषा बारले और पूरा परिवार खुश नजर आया। इसके बाद शाह दुर्ग के रविशंकर शुक्ल स्टेडियम के लिए रवाना हो गए। यहां पर संबोधित किया, देखने से पहले की तस्वीरें। और खबर दिनभर में इतना ही। नमस्कार।